Hi, welcome to all at Nimbus Learning powered by Engineers Academy, and today we are here to discuss about the GATE 21 result and specifically GATE 21 में जो toppers रहे उनके साथ आज हम discuss करेंगे कि किस student की कैसी performance रही और हम average college में पढ़ के final year के साथ भी GATE के result को निकाल सकते हैं, GATE में top कर सकते हैं. इसी continuation में आज हमारे पास एक student available है जिन्होंने final year के साथ में निमिषा electronics branch में जिन्होंने final year के साथ में आर्या institute of engineering and technology में पढ़कर 518 रैंक हासिल करी है. और ये उन स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा बन जाता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो हो जाता है जो स्टूडेंट ये कहते हैं सर हम फाइनल ईयर के साथ में किस तरीके से गेट को निकाल सकते हैं. सेकंड उन स्टूडेंट के लिए भी हो जाता है जो ये कहते हैं कि सर हम एवरेज कॉलेज से गेट की जो रैंक है वो तो अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज या गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज या NITs के स्टूडेंट की आती है. थर्ड ये उन स्टूडेंट के लिए बन जाता है जिन्होंने कोरोना की वजह से अननेसेसरी अपने आप को बहाना बनाया और उनका रिजल्ट नहीं आया या फिर इधर उधर के इन्वायरमेंट को देखते हुए एक्सक्यूजेज बनाते हैं और फिर रिजल्ट नहीं आता. निमिषा के साथ में तीनों कंडीशंस हैं, वो एक एवरेज कॉलेज से स्टूडेंट है, वो फाइनल ईयर की स्टूडेंट भी है और क्योंकि कोरोना का टाइम रहा है शी वॉज स्टूडेंट ऑफ इंजीनियर्स अकेडमी इन क्लासरूम प्रोग्राम फॉर 2 ईयर, लेकिन फर्स्ट ईयर क्लासरूम में पढ़ने के बाद में उन्होंने सेकेंड ईयर ऑनलाइन कोर्स में अपने आप को कन्वर्ट किया और वेरी फर्स्ट ईयर ही, क्योंकि इंजीनियर्स अकेडमी का ऑनलाइन मॉड्यूल फर्स्ट ईयर था और उन्होंने उसी के साथ में इतनी बेहतरीन रैंक हासिल करी. आज हम डिस्कस करेंगे निमिषा के साथ में कि उनका ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा, इंजीनियर्स अकेडमी ऑफलाइन में कैसा रहा, इंजीनियर्स अकेडमी के ऑनलाइन कोर्स निम्बस लर्निंग पर उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा और उनका पर्सनल ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा कि किस तरीके से हम कोरोना के चैलेंजेस को पार करते हुए हमने 518 रैंक हासिल करी. तो आई वेलकम टू निमिषा. हेलो, गुड आफ्टरनून. अभी हम डिस्कस कर रहे थे और भी कई सारे स्टूडेंट थे उनके साथ में, हम ये बात कर रहे थे कि आपका कॉलेज आर्या कॉलेज है जो हम बात कर रहे थे और आपकी रैंक है 518. आपने यहाँ पर थर्ड ईयर में इंजीनियर्स अकेडमी का क्लासरूम कोर्स ज्वाइन की 6th सेमेस्टर में. तो जब कोरोना का टाइम आया तो कई बार आपको लगा होगा कि ये तो मेरी प्रिपरेशन बेकार जा रही है. अब तो टाइम पर ऐसा लगा कि स्टार्टिंग में तो बहुत अच्छा ट्रैक था, मतलब कि बहुत अच्छी एनर्जी के साथ, मतलब सेल्फ मोटिवेट होकर प्रिपरेशन कर रहे थे कि सब अच्छा हो जाएगा एंड में जाके और सिलेबस टाइम से पहले ख़त्म हो जाएगा तो टेस्ट में ज़्यादा फोकस कर पाएंगे. लेकिन बीच में 2 महीने का मतलब गैप आने के बाद ऐसा लगा कि अब लीक से हट रहा है थोड़ा. फिर वापस सर का कॉल आया कि हाँ कि स्टार्ट हो चुका है. एक्चुअली क्लासेस तो उसके 10 दिन बाद में स्टार्ट हो गई थी, तो फिर आपने 2 महीने का गैप क्यों दिया? सर एक्चुअली कॉलेज का भी था, कुछ कॉलेज के भी कुछ असाइनमेंट्स एग्जाम्स वगैरह थे तो उसके कारण भी गैप आ गया था और मेरी भी कुछ हेल्थ कंडीशंस थी उस टाइम पर, तो 2 महीने का गैप आ गया. फिर उसके बाद में आपने कंटिन्यू पढ़ना स्टार्ट किया. तो ओवरऑल जो हमने ऑनलाइन जो क्लासेज ली, टीचर भी वही थे, केवल ऑफलाइन की जगह प्लेटफॉर्म चेंज हुआ था और क्लासेज ऑनलाइन कन्वर्ट हुई. तो ओवरऑल आपका ऑनलाइन का कैसा एक्सपीरियंस रहा? सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस ये था कि जो हम ऑफलाइन लेते थे तो कोचिंग से कॉलेज का डिस्टेंस अप्रॉक्स 22-23 किलोमीटर का था और हम बाय बस ट्रैवल करके कॉलेज अटेंड करके कोचिंग आना, तो घर पहुँचते रात हो जाती थी तो ये तो हम वैसे फिजिकली बहुत ब्रेक डाउन हो जाते थे तो हमें लगता था कि पढ़ने का टाइम उतना मिल नहीं पाता था. कोरोना के टाइम से सबसे प्लस पॉइंट यही था कि टाइम बहुत ज़्यादा मिल गया और ट्रैवलिंग का एक्सपेंस पूरा एक्सपेंसिव प्लस टाइम सारा बच गया तो बहुत टाइम मिल गया उसमें. ये तो इस देखिए मैं क्या बताना चाह रहा हूँ कि जो स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं कि ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कोरोना के टाइम को पॉजिटिव देखना है या नेगेटिव देखना है. मैं तो अपनी पूरी टीम से भी, मैनेजेरियल टीम एज वेल एज मैं अपने टीचर्स से भी, मैं अपनी पूरी टीम से यही बात करता हूँ कि यार जो हुआ वो अच्छा हुआ. लाइफ में हम दौड़ रहे थे, दौड़ते दौड़ते कुछ समझ में नहीं आ रहा था कहाँ दौड़ रहे हैं, मतलब मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है. और एक बार लाइफ में रुके, रुकने के बाद में देखा कि यार दुनिया में और भी हैं, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं और आसपास में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसी. थोड़ा सोचा समझा, अपने आप को समझा और अपनी गलतियों को सुधारा और जब 7-10 महीने रुके तो हमने अपने आप को और एक नई एनर्जी के साथ स्टार्ट किया. बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जिन्होंने कोरोना को बड़ा नेगेटिव लिया, जिन्होंने नेगेटिव लिया डेफिनेटली आज उनके पास में रिजल्ट बड़े ही नेगेटिव होंगे, क्योंकि हम पॉजिटिव थे, निमिषा भी पॉजिटिव थी, इसी वजह से आज उनका रिजल्ट आया. सेकंड क्वेश्चन मेरा ये है कि आपके जो जिन टीचर्स ने आपको पढ़ाया, ऑनलाइन में आप पढ़ रहे थे, लाइव क्लासेज भी ले रहे थे, डाउट सेशंस के लिए आप कैसे कर रहे थे और टीचर्स का कितना कोऑपरेशन था? सर डाउट सेशंस के लिए सर ऑनलाइन लाइव क्लास में चैट बॉक्सेस थे, लाइव इंटरेक्शन होता ही था, प्लस ग्रुप्स थे हमारे, इतने मल्टीपल ग्रुप्स बनाए गए थे कि किसी भी
डाउट्स आप पूछ सकते हैं और कॉन्टैक्ट नंबर थे, तो जब हम जब मतलब जब भी कोई डाउट होता तब क्लियर करते और प्लस और भी जो स्टूडेंट्स थे साथ में सब कनेक्टेड थे उस टाइम पर। ऑफलाइन क्लास में तो कहते हैं कि इतना इंट्रैक्शन नहीं हो पाता है मतलब जो साथ में जो स्टूडेंट्स होते हैं, बट ग्रुप में रहते हैं कि अगर किसी को किसी और को भी वो डाउट है तो साथ में वो क्लियर हो जाता है। तो आपके पूरे आर्या कॉलेज से आपसे बेहतरीन और किसी की रैंक है? कोई रैंक नहीं है। तो देखिए एक और बात मैं यहाँ पर बताना चाह रहा हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जो डिफरेंट डिफरेंट मोड ऑफ स्टडीज से डिफरेंट डिफरेंट जगह से पढ़ रहे होंगे, लेकिन ऐसा कई बार रहा है, चाहे आप JECRC कॉलेज उठाएँ या फिर BIT कॉलेज लें या फिर आर्या लें, XYZ कोई भी कॉलेज लें, इवन आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द जयपुर, आपको ये मिलेगा कि भले ही उस कॉलेज से टॉप 100 के अंदर कोई रैंक नहीं रही हो हमारी, और हमारी ही नहीं रही तो फिर किसी की भी रैंक नहीं रही। तो मैं क्या बताना चाह रहा हूँ कि वॉट एवर दैट कॉलेज परफॉर्म देयर बेस्ट रैंक, दीज आर स्टूडेंट ऑफ इंजीनियर्स अकेडमी। तो और कोई मैसेज जो आप स्टूडेंट को देना चाहें, जो आपको लगता है कि ओवरऑल बच्चों को ये थंब रूल फॉलो करना चाहिए, या ये कोरोना के टाइम पर मैसेज देना, ये ऐसी डिफ़िकल्टीज़ में ऐसा कोई बात जिससे कि बच्चे मोटिवेटेड रहें? सर सबसे मेजर डिस्ट्रैक्शन तो ये रहता है कि मतलब ऑफलाइन में हमारे साथ बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, तो ऑफलाइन क्लास में लाइव इंट्रैक्शन की मतलब होता है कि हम बाकी की परफॉर्मेंस पर ज़्यादा फोकस करते हैं, मतलब अपनी परफॉर्मेंस से हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं कि हमें कहाँ कहाँ प्रॉब्लम्स हैं, हम उन मिस्टेक्स को रेक्टिफाई करें ना, हम दूसरों की मिस्टेक ज़्यादा देखते हैं, दूसरों की परफॉर्मेंस से वो तो एग्जाम क्लास में ऐसा होता है, कोई स्टूडेंट पूछता है तो हमें लगता है इसको तो सब कुछ आता है, भले ही उसको भी कुछ नहीं आता। ऑनलाइन में ये रहा कि इतना फर्क नहीं पड़ा, मतलब कि उसका समझ गया, लेकिन उसका निमिषा ये भी कारण था कि जब आपने अराउंड एक साल या कोचिंग कर ली थी तो आपका मोस्ट ऑफ द का मतलब एटलीस्ट 70% शायद आपका सिलेबस हो चुका होगा, तो आपके पास में तो ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन का ऐसा कॉम्बो था कि आपको दोनों तरीके से उसका बेनिफिट मिला। तो ऑल राइट, आई होप सो आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। तो लाइफ में जब चैलेंजेस आते हैं तो उनको पॉजिटिव लेना है, नेगेटिव नहीं लेना है, और बेहतरीन ऐसे टाइम पर और ही आपको अलग एंगल से सोच के बेहतरीन तरीके से प्रिपरेशन करनी है। इसी कंटिन्यूशन में मैं ये और बता देता हूँ कि जितने भी स्टूडेंट जो इंजीनियर्स अकेडमी के हैं, जो अभी सेलेक्ट हुए हैं पिछले एक साल में सेलेक्ट हुए हैं किसी भी एग्ज़ाम में, जो कि हमारी अवार्ड सेरेमनी होती है, फेलिसिटेशन कम अवार्ड सेरेमनी, इट इज़ शेड्यूल्ड ऑन 27th of March, जस्ट एक दिन पहले, होली से एक दिन पहले शेड्यूल्ड है एट जयपुर सेंटर। दोज स्टूडेंट्स हु प्रिपेयर्ड एट इंजीनियर्स अकेडमी, वेदर इट इज़ इन क्लासरूम प्रोग्राम, ऑनलाइन प्रोग्राम, टेस्ट सीरीज और मटेरियल कोर्स में, तो वो हमारे गूगल फॉर्म जो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है उसको फिल करें, दे कैन रजिस्टर देमसेल्फ एंड आए उस पार्टी में, इन्जॉय करें, आप और हम सारे खुशियाँ बांटेंगे एक दूसरे के साथ में और पार्टी को इन्जॉय करेंगे। Thank you. If you really like the video, please hit the like button and share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.